नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। तो चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के पॉपुलर शो परिणीति की। क्या चल रहा है परिणीति में? आग शादी ड्रामा। जी हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं कि जहाँ शादी का मंडप है, शादी के मंडप में शादी तो होने से रही लेकिन बाकी सब बहुत अच्छे से हो रहा है। और ऐसे में अब संजू की फैक्ट्री में आग लग चुकी है, जहाँ पर काफी लोग फंसे हैं और संजू उन्हें बचाने चला गया है। संजू को बचाने पार्वती गई है। दोनों के बीच काफी क्यूट क्यूट से मोमेंट और बहुत ही क्यूट सी फाइट हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इसके आगे क्या, यहाँ पर आपको बता दें कि उस आग में जाने से पहले पार्वती ने नीति को हिला कर रख दिया है। ऐसा क्या कर दिया है पार्वती ने जिससे कि नीति हिल गई है, और नीति के हिलने की वजह से गुरविंदर काफी शॉक्ड हो जाती है, उसे काफी गुस्सा आ जाता है। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप सब लोग हमारे चैनल टेलीपीप्स पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात कर ली जाए कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो नीति है वो अपनी शादी को लेकर काफी परेशान है और किसी भी हाल में अपने इस सपने को पूरा करना चाहती है। दूसरी तरफ पार्वती इस सपने को टूटता हुआ देखना चाहती है और उसे तोड़ने के लिए पूरी कोशिश भी कर रही है। ऐसे में अब पार्वती नीति को दिलासा देती है कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ कल्याणी जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि कल्याणी जी ने कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं होगी संजू के साथ, और देखो वैसा ही हो रहा है, नहीं हो पा रही है तुम्हारी शादी, तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेती हो। जहाँ पर नीति को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि मेरी शादी कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा सपना है और मैं अपने अपने को किसी भी हाल में पूरा करके रहूंगी, और मेरी किस्मत को कोई नहीं लिख सकता, मैं मेरी किस्मत खुद लिखूंगी। तमाम तरीके की बातें यहाँ पर होती है, जिसके बाद नीति, पार्वती और बबली ये सब लोग मिलकर नीति को बहुत कुछ सुना रही हैं, कल्याणी की बातों को लेकर, गुरप्रीत जी के तानों को लेकर, श्राप को लेकर, जिन सब बातों से काफी ज्यादा इरिटेट होने लगती है नीति और साथ ही साथ गुरविंदर भी। तो यहाँ पर गुरविंदर को टॉन्ट कर रही है अंबिका, जिसके बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है गुरविंदर को, और गुरविंदर ना इन सब की जड़ पार्वती को मानती है और जाकर पार्वती को थप्पड़ लगा देती है, जिस बात से नीति और ज्यादा गुस्सा हो जाती है गुरविंदर पर, और वो कहती है कि आपने पार्वती को थप्पड़ क्यों मारा। अब देखना दिलचस्प होगा यहाँ से कहानी कौन से एंगल की तरफ मुड़ती है।